वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी. ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहे थे कि एक ऐसे शहर की बात करेंगे कि जो रोज अनफॉर्चुनेटली हेडलाइंस क्रिएट करता है, और कोई नई बात नहीं होती, हमेशा वही बातें. कोई नया ऐसा इशू भी नहीं होता कि जिसकी तय तक हम ना पहुंच सकें, या जिसके बारे में हमें मालूमात ना हो, या जिसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में ना हमें पता हो. आप जान चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं कराची की कुल जमा की कॉन्फ्रेंस, डबल सवारी पर पाबंदी, जुडिशियल इंक्वायरी, मकामी सतह पर अमन कमेटियों का क्याम, रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात की मुंतकली, भत्ताखोरी रोकने के लिए मार्केटों में पुलिस चौकियों के क्याम के ऐलान, और रहमान मलिक साहब की तसलियां, और ऊपर से वजीर आला सिंध की तसलियों के साथ साथ जुल्फिकार मिर्जा की आतिश फशानियां, और नतीजा यानी कि रिजल्ट क्या, लाशों के ढेर. और इस ढेर में हुकूमत का ये ऐलान कि अपने अपने प्यारों को लाशों के इस ढेर में पहचानिए और बस ले जाइए. कोई आना निकले, कोई आंख नम ना हो, गम के मारे किसी हलक से कोई चीख ना निकले, किसी को उंगली उठाकर यह सवाल करने की जरूरत भी ना हो कि उनके भाइयों को किस जुर्म में मार दिया गया. हुकूमत सिंध किसी शोबे में कोई कामयाबी हासिल कर सकी या नहीं, अलबत्ता दो मसाइल पर सरीहन नाकामी इसका मुकद्दर ठहरी है. एक तो ये कि इसे कभी टारगेट किलर्स नजर नहीं आए, और दूसरा भत्ताखोर. हमें तो कुछ यूं ही लगता है कि शायद भत्ताखोरी कोई खलाई मखलूक है कि जो उड़न तश्तरियों से उतरती है, भत्ता लेती है और वापस खलाओं में चली जाती है, और जो भत्ता नहीं देता उसे खलाओं से ही निशाना बना डालती है. और रहे टारगेट किलर्स, वो शायद सुलेमानी टोपियां पहनकर लोगों को कत्ल करते हैं कि जो कभी किसी पुलिस वाले को नजर आते हैं, और ना ही कोई हुकूमती अहदेदार उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रखता है या जानता है. कराची की तीन बड़ी हकीकतें हैं, MQM, पीपल्स पार्टी और ANP, और तीनों हकूमत में हैं, यानी कि ये जमातें ग्रास रूट लेवल तक नफूस पजीर हैं. फिर भी हालत यह है कि मार्च के महीने में 160 लोग और अप्रैल के इन 5 दिनों में 14 लाशें गिर चुकी हैं, जबकि कराची के ताजर भत्ताखोरों की दीदा दलेरियों से तंग आकर आज अपना शटर नीचे फेंक चुके हैं. और मजे की बात तो यह है कि शटडाउन की हमायत करने वालों में से ANP, MQM के साथ साथ सुन्नी तहरीक और जमात इस्लामी भी शामिल है. दूसरी अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि अमन के तलबगार ताजरों में अभी से फूट पड़ना शुरू हो गई है, और उंगलियां हुकूमत की तरफ उठाई जा रही हैं. बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड सवाल ये है, और जवाब जो है वो हुकूमत को ही देना पड़ेगा कि इसके इत्तेहादी जो हैं, ये हुकूमत खुद जो है, ये खुद मिलकर कर क्या रही है अभी तक, हमें ग्राउंड पे कोई काम नजर क्यों नहीं आ रहा. शुरू करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा, हमारे साथ दे रहे हैं MQM के रहनुमा ख्वाजा इजारुल हसन साहब, और हमें टेलीफोन लाइन पे मौजूद करें ज्वाइन करेंगे तेली साहब और एक और ताजिर भी. आप इसे शुरू कर लेती हूँ, आपको कभी पर्ची मिली? वैसे आपको कौन देगा? नहीं, हमारे रिलेटिव्स और दोस्त अहबाब ने ये शिकायतें की हैं जी, लेकिन क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसा अफसोसनाक अलमिया है जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से कुछ ज़्यादा ही कुछ सरपरस्ती में परवान चढ़ रहा है, बावजूद इसके कि हमने अपने दोस्तों से सूबाई सतह से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक बमय सबूत और शवाहिद और बमय आप मीडिया के क्लिप्स, टेलीफोन कॉल्स, आवाज़ों की रिकॉर्डिंग, इन सब के साथ हमने वो सबूत दिए और बताया कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और बिला तफरीक चाहे वो किसी भी पार्टी के परचम तले, किसी भी मजहबी, सियासी या कोई और गैंग के नाम पर हैं, तो उनको इमीडिएटली एटलीस्ट गिरफ्तार कर अदालत के कटहरे में खड़ा करके उनकी पब्लिसाइज भी करें, हौसला शिकनी भी करें. अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट के साथ हमारी गैर मशरूत हिमायत है, मगर अफसोस के साथ जो आज हड़ताल हुई, कल जो हड़ताल ताजर बरादरी ने अनाउंसमेंट की, MQM हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी अपनी इस विश एंड विल को ताजर बरादरी की सफ़ों में अपने आप को रख कर उनके साथ इजहार यकजहती का हमने इजहार किया. ख्वाजा साहब, हड़ताल को मज़े की बात तो ये है, शायद मज़े की बात क्या, अफसोसनाक बात ये है कि मैं जो सवाल पूछ लूँ आपसे, पूछूँ शाजिया साहिबा से पूछूँ, उसके पूरे तफसीली जवाब भी मुझे पता है कि क्या बात करेंगे आप लोग, जवाब वही होते हैं. लोग भी शायद सुन सुन के थक गए, उनकी मेहरबानी है फिर भी देख लेते हैं. कराची के हालात क्या हैं, समझ रहे हैं आप? आप कहते हैं आप बड़े मजबूर हैं, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, हुकूमत में भी आप हैं. एक जुमला कह देता हूँ, शायद ये पहले कभी ना सुना हो आपने, ना ही किसी और ने सुना हो. अब आपने मुझे छेड़ दिया तो अब इसको इस सतह तक सुनिएगा, और यकीनन मेरे दोस्त भी मेरे साथ बैठे हैं, कोलिशन पार्टनर्स भी. इसके अंदर डेप्थ भी है, मैसेज भी है,
कि एमकेएम बहुत कुर्बानियां देकर, खून के दरिया उबूर करके कराची में 9 इंतखाबात से कामयाबी हासिल कर रही है। कराची इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है, इकोनॉमिक हब है। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पैदा हुए, हमारे आबा अजदाद की यहाँ ख़बरें हैं, हम ही यहाँ से कामयाब हो रहे हैं। ये इसमें अल्लाह की हमारे साथ मदद शामिल है इस शहर को सजाने संवारने में। बाय डिफ़ॉल्ट इस शहर के बेटे होने में, सिंध के बेटे होने में, ना हमारी कोई विश थी, ना हमारे पीछे कोई डिज़ाइन था। अगर कोई यहाँ पर यह समझता है कि एमकेएम इस शहर से पूरे पाकिस्तान में आज मकबूल हो रही है, और अगर एमकेएम खटक रही है या एमकेएम का वोट बैंक खटक रहा है, तो जमहूरी तरीके से सब वेलकम है। वो इस शहर को सजाएं, संवारें और डिफीट अस। वी आर इन द पब्लिक और वी आर क्वेश्चनेबल इन ऑल द मीन्स। मैंने बिटवीन द लाइंस आपको एक क्लियर एक स्टेटमेंट दिया, जो मैं समझता हूं कि आप डू यू स्टिल डिजर्व टू बी होल्डिंग दीज वोट्स एंड टू बी इन द पावर इन पावर यू थिंक डू यू डिजर्व टू बी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपने यकीनन सही फरमाया, सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप हैं कराची में, सबसे सब कुछ दाव पे आप ही का लगा हुआ है, सब कुछ दाव तो पे। कराची जिस तरह जल रहा है, आपको ये कुर्सियों पे रहना चाहिए अभी तक। कुर्सियां आपको मैं सिर्फ इसमें एक जुमला और देता हूं, अगर हमें अंदाजा होता कि जमहूरियत की कीमत हजारों बेगुना इंसानों की शहादत जो हमारे घर में हो रही है, जो जनाजे हमारी आबादियों से उठ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कौम का शख्स हो, किसी भी इलाके का फर्द हो, और जमहूरियत को सपोर्ट करने की कीमत ये होगी, तो शायद एमकेएम की क़यादत एक दफ़ा ज़रूर सोचती कि इस जमहूरियत को इस कॉस्ट पे अगर सपोर्ट करना है, तो वी हैव टू बी थिंक ऑन द अदर ऑप्शंस एज वेल। नाउ वी आर 3 साल सर, आपको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। एक छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद शाज़िया मरी साहिबा से पूछेंगे कि कराची के हालात क्या ठीक हैं, क्योंकि आज हम शायद ज़रा थोड़े से डिनाइल में हैं कि इनको पता भी है कि क्या हो रहा है। और इसी के साथ साथ तेली साहब से भी पूछा जाएगा कि आज एक जो पुरअमन प्रोसेशन गैदरिंग होनी थी पोलो ग्राउंड में, किसने डिसरप्ट की, क्यों की। छोटे से वक्फे के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग क्रॉस फायर।